That means someone pushed her. मतलब इस टाइप का हुआ था कि फिजिकली था. हाँ, फिजिकल था. हमारी एक छोटी सी डिमांड है. उनकी जो डिमांड से बहुत वाजिब है. So there's a protest going on right before my eyes. क्या हिला, थोड़ा explain करो. अरे ऐसे बच्चियों का थोड़ा सिक्योरिटी का मसला है, वहाँ से बच्चियाँ आती हैं. हुआ क्या था, रीजन क्या था? रीजन ये था, छेड़छाड़ हुई थी बच्चियों के साथ में. थोड़ा आउटसाइडर था कोई? आउटसाइडर रहते हैं, कौन कहाँ का है ये नहीं पता. एक बच्ची का फ्रैक्चर भी हुआ है पैर में. हर तरीके फिजिकल भी हुआ है और वैसे वर्बली भी हुआ है. फिजिकल भी पैर पकड़ के खींचा है, जो भी हुआ है. बिल्कुल इधर नमाज वगैरह के लिए. इधर ही नमाज होगी? हाँ, नमाज उधर ही. अस्सलाम वालेकुम गाइस, ज़ाकिर मदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल आयन खान. आई एम बैक इन द ब्रांड न्यू व्लॉग. और अभी हम लोग उधर से नमाज़ पढ़ के आ रहे थे. कौन सी मस्जिद थी, कौन है? विमेन स्टडीज़ डिपार्टमेंट उधर के पास के हम लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आ रही थे. तो उधर भीड़ लगी हुई थी, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था. हम लोग सोचे कोई छोटा सा नॉर्मल प्रोटेस्ट हो रहा होगा. जब उधर गए तो वो लोग मुझे बताने लगे कि वहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है. मेडिकल स्टूडेंट थी कोई, उसका सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ, तो उसके लिए प्रोटेस्ट था. माइक नहीं रखा था उस वक्त, तो उस वक्त जो कवर किया उसमें आवाज़ सही से आ नहीं रही थी. तो अभी माइक उठाने आया था हॉस्टल, वही डिटेल्स बता सकते हैं. तो वहाँ जाना पड़ेगा, फिर कवर करते हैं इंशाल्लाह. उधर अजान भी हो गई है, मगरिब की नमाज बस शुरू होने वाली है. जमात के लिए लोग खड़े हो गए हैं. नहीं, कुछ लोग यहाँ बैठ रहे हैं, कुछ लोग वायलेंट नहीं करना है. सही तरीके से टाइम दे दीजिए, सब हो जाएगा. हम लोग देने को तैयार है, सब चाहते हैं कि विजय सर का साइन हो. बाद में हो जाएगा तो दे देंगे आप. मैं बाकी लड़के आप कहेंगी तो सब मान जाएंगे. माइक में मफल ना है फिर. अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे इशू बता दीजिए क्या हुआ है. मतलब इशू बस सिंपल इतना है कि हम लोग मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम लोग की जो है रात में इंटर्न्स की ड्यूटीज लगती हैं. तो रात में जो है जो बेगम अजीज़ुन्निसा हॉल है उसका गेट जो है, हमारा कॉलेज ये है, बेगम अजीज़ुन्निसा यहाँ है, बस एक बीच में रोड है, ठीक है. और जो हमारा गेट है वो यहाँ है, 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट आपको जो है ट्रैवल करके रात में अकेले जाना पड़ता है, तब आप जाके पहुँचते हैं वहाँ पर, ठीक है. और उसमें इतने दिनों में मॉलेस्टेशन के केस, असॉल्ट के केस, स्नैचिंग का केस हुआ है. एक लड़की गिर गई थी, उसकी फ्रैक्चर हो गया है. 20+ केसेस रिपोर्टेड है, अनरिपोर्टेड हमें पता भी नहीं. 20+ है? यस. और ये रिपोर्टेड है, जिन्होंने कंप्लेन की है, बहुत दिनों से हो रहा है. और बस छोटी सी डिमांड है कि ये जो हॉल है यहाँ पे, यहाँ पर जो गेट, बस आपको बस एक रोड पार करके सामने गेट खोलना है. बस एक स्कूटी जाने का आप एक गेट खोल दीजिए, ताकि वो आप वो जो और जो वो रोड है वो बहुत बिजी है. हमारी एक छोटी सी डिमांड है कि आप बस गेट खोल दीजिए, यही परमानेंट सोल्यूशन है. आप कितनी सिक्योरिटी बढ़ा लें, आपने देखा है मेडिकल कॉलोनी में कितना सुनसान रहता है. मतलब लाइटिंग जो है वो 20 साल से तो मैं देख रही हूँ मैं यहाँ. हाँ, नहीं है, बिल्कुल भी लाइटिंग नहीं है. तो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी बढ़ा रहे कर रहे हैं, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. सिक्योरिटी आप कितने रखेंगे, कहाँ से कहाँ तक रखेंगे? तो ये प्रॉब्लम है. और हमने हर जगह बात की है, प्रोवोस्ट से बात की, हमने वार्डन से बात की, डी लोग कहीं से कोई वो नहीं हुआ है. उसके बाद जो है हम मतलब यहाँ पर आए तो फिर ये बोल रहे हैं कि जो है बात करेंगे, मतलब फोरम बनाएंगे, ये करेंगे. मतलब कब तक? जो लेटेस्ट वाला भी केस हुआ, मतलब जो विक्टिम है लेटेस्ट वाले, उनके साथ वर्बल अब्यूज हुआ या फिजिकल अब्यूज दोनों हुआ है? अभी लेटेस्ट वाला हमें आज सच नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन जो हमने जहाँ से काम स्टार्ट किया था वो इसी वजह तब किया था जब वो गिर गई थी, वो फ्रैक्चर हुआ था, वो दैट प्रॉम्प्टेड अस टू एक्शन. दैट मींस समवन पुश्ड हर. मतलब इस टाइप का हुआ था कि फिजिकली था? हाँ, फिजिकल था. इतना मतलब, एंड शी फेल डाउन फ्रॉम हर स्कूटर. इतना एक्सट्रीम पर चल रहा, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ. और ये बहुत पहले से डिमांड चल रही है, बहुत पहले से डिमांड चल रही है. तो बस यही आपकी डिमांड है कि वो गेट वाला, और छोटी सी डिमांड है, कुछ नहीं जा रहा है, 10 दिन का काम. ठीक है, इंशाल्लाह देयर विल बी सम सॉल्यूशन फॉर इट. थैंक यू सो मच. आई थिंक आपको सारा इशू समझ में आ गया होगा. मैंने उनसे केस भी पूछ लिया पूरा, विक्टिम जो था उसके साथ जो प्रॉब्लम हुई वो भी बता दिया, उनकी डिमांड्स क्या वो भी उन्होंने बता दिया. क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा. मैं अपने तरफ से अगर बोलूँ, ये मसला तो मतलब स्टूडेंट का था, एमयू के स्टूडेंट का, तो उसको इतना हाईलाइट कर दिया गया. ऐसे पता नहीं कितनों के साथ ये मसले होते हैं. उनकी जो डिमांड्स है बहुत वाजिब है कि एक गेट ऐसा खोल दो जिसमें नजदीक हो जाए, वो डिस्टेंस जो है कम हो जाए. मैं इन सब इशूज में कभी वीडियोज बनाता नहीं, बट इसमें क्या हुआ, ये सेक्सुअल हैरेसमेंट और फिजिकल वर्बल अब्यूज के ऊपर है, तो मुझे बनाना पड़ा. मेरे हिसाब से कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल इशू नहीं है जिसमें मैं घुस जाऊंगा तो फिर लोग इल्जाम लगाएंगे क्या भाई तुम पॉपुलर होने के लिए करो. नहीं, अपनी यूनिवर्सिटी का ही मसला, इसके वजह से मुझे इस पे वीडियो बनाना पड़ा. लोगों ने मुझसे बोला, मैं तो उधर मस्जिद गया था कवर करने, मस्जिद कवर करते करते देखा भीड़ लगी थी तो उधर चला. इस व्लॉग को मैं एंड करता हूँ एक हदीस पे. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला हुआ है एक हदीस में कि द बेस्ट ऑफ यू आर दोज हु आर बेस्ट विद देयर. आप में से बेहतर वही है जो अपनी
औरतों के साथ बेहतर, आपको अपनी औरतों के साथ अच्छा होना, जरूरी नहीं कि आप अपनी माँ बहन से, अगल बगल की जितने भी आपके आसपास की औरतें उनके भी साथ, आप देख लो आप बद किरदार बन जाओगे अगर ये अखलाक अपने अंदर रख रहे हो कि आप फिजिकल वर्बल अब्यूज करो, कमेंट्स पास करो लड़कियों के ऊपर। यू शुड गेट रिड ऑफ दिस। बाकी सब बढ़िया, वीडियो आपको अगर समझ में आ रही होगी, इशू आपको इंपॉर्टेंट लग रहा होगा, इसको शेयर कीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, आपको जो करना है नहीं करना। मिलते हैं व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। खत्म कर दो, खलास। बंद किया कि नहीं रहे।